हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 दिसंबर, तो आप सबको मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम लोग जिम कॉर्बेट में आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत सुबह है और हम लोग स्टे कर रहे हैं ताज कॉर्बेट में। तो हम 2 दिन से आए हुए हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि अगर आप जिम कॉर्बेट घूमने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ का मेन अट्रैक्शन जिम कॉर्बेट नेशनल सफारी, तो आप उसकी बुकिंग करा कर ही आएं, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल सफारी इसकी बुकिंग गवर्नमेंट के हाथ में है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ पीपल होता है जो ये लोग भेजते हैं। एक बॉर्डर प्लेस बना हुआ है, वहाँ से ये टिकट्स कट करते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल का अलाउ करते हैं सफारी में जाने के लिए डेली। तो जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है या कोई छुट्टियाँ होती हैं तो वो 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना महीना पहले फुल बुकड होता है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है कोई एक्स्ट्रा पैसे देके, कोई प्राइवेट बंदे के हाथ में नहीं है कि अगर आप विदाउट बुकिंग आ जाते हैं और फुल चल रहा है तो आप नहीं जा सकते वहाँ पर। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप कभी भी जिम कॉर्बेट का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जिम कॉर्बेट नेशनल सफारी ऑनलाइन बुकिंग करके ही आएँ। इसका एक ऑप्शन है सिर्फ कि मॉर्निंग 6:30 एंड 11:45, दो टाइम वो लोग वहाँ से जाने देते हैं, लॉट्स चलते हैं। ओपन जिप्सी में आप जा सकते हैं या फिर उनके क्या छोटी छोटी मिनी बस टाइप की होती हैं जिसमें वो बिठा के भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाइए। तो अगर किसी का टिकट कैंसिलेशन होगा और खाली जा रही होंगी सीट्स तो वो आपको पेमेंट लेके अलाउ कर सकते हैं जाना, बट उसका कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि इसमें ये सिस्टम है, ये लोग बता रहे थे कि अगर किसी की भी टिकट कैंसिल होती है तो ऑनलाइन कुछ भी कैंसिल नहीं होता एंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कोई कैंसिलेशन हुआ है। तो इसलिए कोई भी रिज़र्व कोटा या कोई वेटिंग सीट नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप नेशनल सफारी जिम कॉर्बेट जाना चाहते हैं तो आप बुकिंग करा कर ही आएँ। ओके, बाय बाय।